your English teacher. So today's topic is how many. In our last video we have learned how to use these and that. हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? Yes, these and that. These or that कहाँ यूज होता है, उसके प्रश्नार्थ वाक्य, उससे yes और no के आंसर भी हमने सीखे थे, right? So आज हम सीखेंगे how many. So how many उसका मतलब क्या होता है? सपोज अगर कोई सर या मैम आपके क्लास में आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप क्या आंसर दोगे? यस सर इन आवर क्लास 35 स्टूडेंट, सर इन आवर क्लास 40 स्टूडेंट, राइट? तो आपने जो 35 और 40 जो बताया वो क्या था? नंबर था, ठीक है? तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मैनी का मतलब केतला, हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? केतला. जब भी आपसे हाउ मैनी का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब पर्टिकुलर को एक नंबर में आता है, जिस चीज को आप गिन सकते हो. इन गुजराती कोई पण एवी वस्तु के जेने तमे गणी शको छो अथवा एवा व्यक्तियों के जेने तमे गणी शको छो, ऑब्वियसली तमे व्यक्तियों ने पण गणी शको छो अने वस्तु ने पण गणी शको छो, पण तेनो चोक्कस जवाब तमे आपो अने संख्या द्वारा निर्देश करो त्यारे तमारे तमे सेनो जवाब आप्यो कहेवाय how many no. For example, how many chalks in my hand? तो फिलहाल तो आपको ये चॉक दिख रहा है, yes. तो क्या बोलोगे? मैम one chalk. How many chalk? One. तो अभी हमें how many के बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है. एक पहला कि आपको वन से लेके हंड्रेड तक के नंबर तो आने ही चाहिए. नंबर मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिर्फ नंबर्स भी नहीं उसके साथ उसका स्पेलिंग्स भी आने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह आप नंबर सिर्फ ऐसे लिख के दिखा सकते हो, बट इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ता है? इसका समटाइम्स स्पेलिंग. तो घर पे वन से लेके हंड्रेड तक के स्पेलिंग एक बार तो जरूर लिखने चाहिए, चाहे आप ग्रेड फोर्थ में हो कि चाहे ग्रेड फिफ्थ में हो, राइट? तो आपको ये काम तो जरूर ही करना है कि वन से हंड्रेड की स्पेलिंग तो आपको लर्न करनी ही है. दूसरी चीज हमें सीखनी है बहुवचन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल, के कोई भी शब्द का बहुवचन कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में चौक है, दूसरे हाथ में बहुत सारे चौक है, तो वन चौक मैनी चौक. ओके सो हाउ मैनी के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, मैंने जैसे कहा आपको नंबर्स आने जरूरी है. सो लेट्स रिवाइज विथ मी, चलो मेरे साथ ही आप रिवाइज कर लो. यहाँ पे लिखेंगे क्या? संख्या, that means numbers. संख्या यानी numbers जो हमें आते ही हैं, बट आज हम revision कर रहे हैं. ओके सो हियर इज ओ एन ई वन, हियर टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर डबल ई थ्री, F-O-U-R 4, F-I-V-E 5, S-I-X right 6, S-E-V-E-N 7, E-I-G-H-T 8, N-I-N-E 9, and T-E-N 10. 10 के बाद क्या आता है? Yes. E L E V E N 11, T W E L V E 12, 13 के आगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आई होप, T H I R T W E N, F O U R T W E N 14, F I F T W E N, S I X T double E N, S E V E N 7, T double E N, E I G H T double E N, N I N E T double E N, T double E N T Y 20. Okay.
अब मैं 100 तक के बट एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको 100 तक के नंबर्स याद हो जाए। सो 20 के बाद क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 20 का स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखा था, राइट? 20 का स्पेलिंग क्या था? TWERTY, राइट? तो 21 के बाद आपको क्या करना है? 21 हुआ तो 20 का स्पेलिंग आप यहाँ से सीखिए। ओके, अब 20 यहाँ पे है, लास्ट में क्या है? 1, तो 1 का स्पेलिंग तो हमने पहले ही सीख लिया, ठीक है? फिर आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो आपको सारे 20 का स्पेलिंग सेम रहेगा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पहले ही सीख चुके हैं। तो 29 के बाद क्या आएगा? 30, तो अब हम यहाँ पे किसका स्पेलिंग सीखेंगे? 30 का, दैट इज THIRTY। फिर 31 के बाद जैसे मैंने 21 से 29 तक बोला वैसे आप 31 से 39 तक लिख सकते हैं, राइट? 39 के बाद क्या आएगा? 40, तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40? FORTY, 40। फिर से आपको वही रिपीट करना है, 41, 42, up to 49 तक। 49 के बाद क्या आएगा? Yes, 50. So you can write here spelling of 50. FIFTY, 50. 51 से आपको 59 तक अगेन जाना है। उसके बाद क्या आएगा? 60. Yes, 60। आप जैसे आपको 16 का स्पेलिंग आता था वैसे ही 60 का भी आएगा, क्योंकि 60 में SIX कॉमन और पीछे TY। अंडरस्टूड? अभी जो सारे स्पेलिंग होंगे वो ऑलमोस्ट सारे इजी ही होंगे आपके लिए। सो नंबर 70, SEVENTY, 70। उसके बाद 18, EIGHTY, 80 के बाद, ओके, सो 80 के बाद 81 से 89, as I told you, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89 के बाद क्या आएगा? राइट, 90, तो हम यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे 90 का, NINETY, 90, NINETY, 90। अब 91 के बाद फिर से जैसे हमने सीखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, अब 99 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, 99 के बाद आता है 100, यहाँ पे हम लिखेंगे HUNDRED, फिर से रिपीट करेंगे HUNDRED। सो आज हमने कहाँ तक स्पेलिंग सीखे? पहले 1 से 20 तक के स्पेलिंग सीखे, देन 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। इट विल बी इजी फॉर यू। ये अगर आपको स्पेलिंग याद हो जा रहे हैं तो बाकी का सारा स्पेलिंग याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ओके, तो हम इसके बाद थोड़े और एग्जांपल देखेंगे, उसमें आप लोगों को नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है उसमें, उसके बाद जो एग्जांपल मैं अभी आपको लिखवाऊंगी वो एग्जांपल भी आपको आपकी नोटबुक में कॉपी जरूर करने हैं। ओके, सो फर्स्ट 35। सो जैसे मैंने आपको बताया 35 का स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आपको 30 का स्पेलिंग लिखना है। कौन सा था स्पेलिंग? Yes, THIRTY, ये 30 का स्पेलिंग हमने पढ़ा था, राइट? अब क्या आया पीछे? 5, सो आप क्या करोगे? पीछे 5 का स्पेलिंग लिखोगे, तो याद हो गया 35 का स्पेलिंग, गुड। नंबर 2, 94, सो 90 का स्पेलिंग क्या था? Yes, NINE
T-Y एंड फोर का स्पेलिंग तब सबको याद ही होगा, F-O-U-R 94। नंबर थ्री 68 का स्पेलिंग तो इट्स टू इजी यू नो, सो SIXTY 60 एंड 8 था तो 8 का स्पेलिंग यस EIGHT 8। नंबर 4 70 का स्पेलिंग SEVEN TY एंड अगेन 9 का स्पेलिंग इट्स NINE 79। ओके नंबर 5 यहां पे मैं लूंगी 56। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 50? हु विल टेल? आधे लोगों ने तो लिख भी लिया होगा आई नो। सो FIFTY 50 एंड अगेन इट्स इजी 6 SIX 6। नंबर 6 यहां पे आएगा 1 to 12। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 12? राइट TWELVE 12। नंबर 7 दैट इज 64। 64 सो 60 का स्पेलिंग अगेन इट्स इजी SIXTY FOUR 64। नंबर 8 एंड लास्ट एग्जांपल इज 88। 80 का स्पेलिंग EIGHTY 80 EIGHT 88। हियर आई कंप्लीटेड सम एग्जांपल ऑफ नंबर नेम्स। यहां पे मैंने नंबर नेम्स एटले के स्पेलिंग्स कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक जो था हाउ मैनी, अभी तो आपको मैंने उसका एक ही टॉपिक समझाया है जो है संख्या यानी कि नंबर्स। इसलिए ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अब हम मिलेंगे हमारे पार्ट 2 में, उसमें मैं आपको डीपली समझाऊंगी कि आपको नामों का बहुवचन कैसे करना है, इट मींस के प्लूरल कैसे करना है। उसके भी बहुत सारे नियम है, रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन से नाम के पीछे एस लगता है, किसके पीछे ईएस लगेगा, आईईएस लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो तब तक आपको 1 से 100 के स्पेलिंग याद कर लेने हैं और अपनी नोटबुक में बिना भूले लिख भी लेने हैं। टिल दैट थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।